हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यदि आपके माइनक्राफ्ट में ओपन जेल की प्रॉब्लम आ रही है तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्या इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है या नहीं। इस वीडियो में मैं आपको आगे पूरे डिटेल से समझाने वाला हूं, तो वीडियो को गाइस शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा बिना स्किप किए। तो चलो गाइस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि गाइस ये जो ओपन जेल प्रॉब्लम है ये ग्राफिक्स के कारण आती है। यदि आपके पीसी में ग्राफिक्स कार्ड नहीं है तो आपके माइनक्राफ्ट में ओपन जीएल की प्रॉब्लम जरूर से आएगी। अब गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसे बहुत से पीसी देखे हैं जिनमें ग्राफिक्स कार्ड नहीं है फिर भी उनके पीसी में माइनक्राफ्ट चलता है। अब क्यों चलता है उनके पीसी में और आपके पीसी में क्यों नहीं चलता है वो मैं आपको बताता हूं। तो गाइस इसका कारण यह है कि उस पीसी में इंटर एचडी ग्राफिक्स 4000 होगा या 4000 से ऊपर होगा, इसलिए उस पीसी में माइनक्राफ्ट चल पा रहा है। यदि आपके पीसी में 4000 से कम है यानी इंटर एचडी ग्राफिक्स 4000 से कम है तो आपके पीसी में माइनक्राफ्ट नहीं चलेगा बल्कि उसमें ओपन जीएल की प्रॉब्लम आएगी। तो गाइस यहां पर मैं आपको माइनक्राफ्ट का रिक्वायरमेंट दिखा देता हूं, तो देख सकते हो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है और यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर एचडी ग्राफिक्स 4000 और यहाँ पर एएमडी का भी दिया हुआ है, यहाँ पर नीचे एएमडी रेडियन R5 सीरीज, ठीक है। तो इतना आपका एएमडी का होना चाहिए और इतना आपका इंटर एचडी ग्राफिक्स होना चाहिए तभी आपका जो माइनक्राफ्ट है ये चल पाएगा। और इसमें यहाँ पर नीचे ओपन जीएल भी दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन जीएल 4.4। तो गाइस अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप इन दोनों को कैसे चेक कर पाओगे अपने पीसी में। तो इसके लिए यहाँ पर मैं अपने पीसी की स्क्रीन पर चला जाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने पीसी के स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर विंडो पर राइट क्लिक करके डिवाइस मैनेजर पर चले जाना है। यहाँ पर डिवाइस मैनेजर दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पर क्लिक करके डिवाइस मैनेजर पर आ जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा डिस्प्ले एडेप्टर, तो यहां पर आपको इस एरो पर क्लिक करना है। तो गाइस जैसे ही आप यहां पर एरो पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपके पीसी का ग्राफिक्स कार्ड शो हो जाएगा। यदि आपने ग्राफिक्स कार्ड डलवाया है तो यहां पर शो कर देगा और अगर आपने ग्राफिक्स कार्ड नहीं डलवाया है तो यहां पर इंटर एचडी ग्राफिक्स शो हो जाएगा, जो कि अभी मैंने आपको बताया है कि इंटर एचडी ग्राफिक्स 4000 होना चाहिए और एएमडी का रेडियन R5 सीरीज होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको शो कर देगा। और गाइस यदि आपके पीसी में इंटर एचडी ग्राफिक्स 4000 से कम है तो भाई आपके पीसी में माइनक्राफ्ट नहीं चलेगा, उसमें ओपन जीएल की प्रॉब्लम जरूर से आएगी, ठीक है। और एएमडी का मैंने आपको बता ही दिया है उससे कम नहीं होना चाहिए। और गाइस मैंने बहुत से कंप्यूटर में देखा है कि यहाँ पर इंटर एचडी ग्राफिक्स के आगे शो ही नहीं करता कि 3000 है कि 4000 है, कुछ शो ही नहीं करता, सिर्फ इंटर एचडी ग्राफिक्स ही शो करता है। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ, उससे भी पता लगा सकते हो कि आपके पीसी में माइनक्राफ्ट चलेगा या नहीं। तो गाइस दूसरे तरीके के लिए आपको करना क्या है कि आपको जाना है अपने पीसी के क्रोम ब्राउजर पर और यहां पर आपको सर्च करना है ओपन जीएल एक्सटेंशन व्यूवर्स डाउनलोड। तो यहां पर मैं लिख देता हूं और आपको भी यही लिखना है जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आपको लिखना है ओपन जीएल एक्सटेंशन व्यूवर्स डाउनलोड, यहां पर ये देख सकते हो गाइस यहां पर ये आ चुका है, तो यहां पर क्लिक करना है और यहाँ पर गाइस आपको शुरू में ही वेबसाइट नज़र आ जाएगी, आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक करना है और इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के पेज पर आप आओगे तो यहाँ पर आपको डाउनलोड नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको डाउनलोड नाउ पर क्लिक करना है। तो गाइस जैसे ही आप यहाँ पर डाउनलोड नाउ पर क्लिक करते हो तो आप कुछ इस तरह के पेज पर आ जाओगे और यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर मैं जाता हूँ शो ऑल पर और इसे पूरा डाउनलोड हो जाने देता हूँ, उसके बाद इसे हम इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर ये पूरा डाउनलोड हो चुका है और इसके बाद यहाँ पर आप शो इन फोल्डर पर क्लिक करके फाइल मैनेजर के अंदर जाकर भी इंस्टॉल कर सकते हो, बट यहाँ पर मैं यहीं से कर लेता हूँ इसे इंस्टॉल, यहाँ पर आपको एक बार क्लिक करना है। तो गाइस जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर थोड़ी लोडिंग चलेगी और लोडिंग जैसे ये पूरी कंप्लीट हो जाती है इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके ये पेज खुलकर आएगा। तो यहाँ पर मैंने वेबसाइट को क्लोज कर दिया है और यहाँ पर गाइस देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके ये पेज खुलकर आएगा आपके सामने। तो यहां पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, आई एग्री पर क्लिक करना है, फिर से आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और इंस्टॉल पर क्लिक करना है।
तो यहाँ पर ये इंस्टॉलिंग होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ये इंस्टॉलिंग पूरी कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद यहाँ पर आपको फिनिश पर क्लिक करना है। तो गाइस जैसे ही आप फिनिश पर क्लिक करते हो तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का ये पेज खुलकर आएगा। तो यहाँ पर गाइस थोड़ा लोडिंग चलेगा, तो आपको थोड़ा देर वेट कर लेना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर ओपन जीएल की जो सारी डिटेल है ये यहाँ पर शो कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पर जो मेरा ओपन जीएल का वर्जन है ये 4.6 है। और गाइस यदि आपका ओपन जीएल वर्जन 4.4 से कम होगा तो आपके में ओपन जीएल की प्रॉब्लम जरूर से आएगी आपके माइनक्राफ्ट में। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको फिर से चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पर ये ओपन जीएल 4.4 है, आप देख लीजिए। और गाइस यहाँ पर मेरा इससे ऊपर है, 4.6 है मेरा। तो आपका ये 4.4 के बराबर होना चाहिए या इससे ऊपर होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके माइनक्राफ्ट में ओपन जीएल की प्रॉब्लम आएगी। तो गाइस अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको ओपन जीएल वर्जन कैसे बढ़ाना है। इसके लिए गाइस आपको 2GB का ग्राफिक्स कार्ड डलवाना होगा। मेरे पीसी में भी 2GB का ग्राफिक्स कार्ड डला है, इसलिए ये 4.4 से ज़्यादा है, ठीक है। यदि आपका ग्राफिक्स कार्ड नहीं डला है आपके पीसी में, तो आपके पीसी में ये 4.4 से कम होगा और आपके माइनक्राफ्ट में ओपन जीएल की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। इसे इंक्रीज करने का एक ही तरीका है, आपको ग्राफिक्स कार्ड डलवाना है 2GB का, जिससे आपका ओपन जीएल वर्जन 4.4 से ज़्यादा हो जाएगा या मेरे बराबर हो जाएगा 4.6 या मुझसे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आपके माइनक्राफ्ट में ओपन जीएल की प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये जो ओपन जीएल की प्रॉब्लम है ये अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में।